क्या आपको ऐसा कभी डर लगता है कि अगर मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगी, मैं उसके बिना नहीं जी सकूंगी। हमेशा क्या आप इस डर में रहते हो, क्या आप इस डर में जीते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप ये सोचते होंगे, इस व्यक्ति को मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैं इसको खोने को डरता हूँ। कई बात ये हद तक सच भी है कि आप उसे प्यार करते हो इसलिए आपके अंदर उनको खोने का डर होता है, वरना आपको कोई पड़ी हुई नहीं हुई होती। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये भी होती है कि कहीं ना कहीं हमने अपने माइंड में मन ही मन में ये बात मान ली होती है कि वो व्यक्ति मुझसे ऊपर है, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, मुझसे ज़्यादा बेहतर है, इसलिए वो व्यक्ति मुझे छोड़ सकता है, मैं उससे अलग हो सकती हूँ, और इससे भी आपका डर बनता है। पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी टिप्स दूंगा जिसके कारण आपको डरना नहीं पड़ेगा। आपके मन में ये ख्याल भी चला जाएगा कि आपका पार्टनर आपसे कुछ ऊपर है या कुछ बड़ा है, लेकिन आपका पार्टनर खुद आपको खोने से डरेगा। ऐसा आपको बनना होगा, और ऐसा आप कैसे बनोगे हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी फेसबुक की, इंस्टाग्राम की और मेरी वेबसाइट की लिंक दी है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं कि हम अपनी लाइफ में ऐसा कैसे बन सके कि हमें डरना ना पड़े, हमारा पार्टनर खुद हमें खोने से डरे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, कि आपको सबसे पहले ना अपने करियर पे ध्यान देना होता है, अपने करियर को ठीक करना होता है, अपने करियर को बनाना होता है, या आप उस रास्ते पे चल रहे होते हो, उसके बाद अपनी रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में सोचो। तब तक अपने रिलेशन को और अपने ऐसे पार्टनर के पीछे मत भागो जब तक आपका जो करियर होता है ना टॉप पे नहीं होता, या आपका करियर सेट नहीं होता। कम से कम उस रास्ते पे तो आप होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के लिए या अपने रिलेशन के लिए पागल होते हैं। उनको खुद को पता नहीं होगा कि उनका करियर कैसा होना चाहिए या उनका करियर क्या होगा। आपके पास कोई विज़न ही नहीं है, कोई मिशन नहीं है, तो आपका पार्टनर ना आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा। देखो ऐसी बात है ना, कोई पार्टनर आपको कभी भी बताएगा नहीं। आपको लगता है कि यार प्यार होना चाहिए साथ में रहने के लिए, लेकिन लोग ऐसा सोचते, अब वो सोचते कि यार आपका तो कोई सपना नहीं है, आपका तो कोई करियर नहीं है, अब मैं इसके साथ रहूंगी, 2 साल बर्बाद करूंगी, 3 साल बर्बाद करूंगी या शादी करूंगी तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, इसका जो करियर होगा वही मेरा फ्यूचर बनेगा। तो लोग सोचते आपका करियर अच्छा होगा, आपके जो विज़न हो गए, आपके जो गोल हो गए, वो देखते हैं, आपके पार्टनर को आपके बारे में सब पता होता है, तो वो अंदाज़ा लगाते हैं कि 5 साल बाद आप क्या होगे। तो अगर आपका सब कुछ सेट है ना तो वो कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन कुछ भी आपको भी पता नहीं है कि आपका क्या करियर है, आपका क्या फ्यूचर है, तो आपका पार्टनर कभी आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो छोड़ ही देगा। दूसरी चीज़ कि कभी भी अपने पार्टनर को अपने एक रिलेशन में देवता बनाने की गलती मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पार्टनर को भगवान की तरह पूजते हैं, मेरा कहने का मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कि उसकी पूजा ही करने लग जाते हो। यहाँ पे क्या होता है कि आप उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, लेकिन कई बार ये होता है कि आप उनको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते कि आप उनके सामने कुछ नहीं लगते, अपनी नज़रों में आप अपने आप को गिरा देते, उनको भगवान बना देते, देवता बना देते, तो आप खुद की इंसल्ट करते हो, हमेशा उनके बारे में सोचते हो। इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, उनके लिए सब कुछ करना, तो आपको ही कहीं ना कहीं इस रिलेशन में छोटा कर देता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होते, ऐसा करने से आपका पार्टनर का जो ईगो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, आपका जो प्यार पाने की उनकी इच्छा होती ना वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है। तीसरी चीज़ कि आप में अब कुछ रहा ही नहीं कि वो आपसे किन चीज़ों के लिए अपेक्षा करे, वो किन चीज़ों के लिए आपको इम्प्रेस करे, उनका सारा इंटरेस्ट होता है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तीसरी चीज़ कि आप अपनी लाइफ में किसे प्यार करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को नहीं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पैशन होना चाहिए जिसके लिए आपके अंदर दीवानगी होनी चाहिए और आप सबसे ज़्यादा उन चीज़ों को प्यार करते होने चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई म्यूजिशियन है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसी बातें करेगा कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार म्यूजिक से है, वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम म्यूजिक को देता है, उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उनके लिए वेट करती है, उनको भी पता है कि ये अपने काम को, अपने पैशन को बहुत ज़्यादा टाइम देता है, तो उनकी दीवानगी होती है ना, तो उससे उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा जुड़ी हुई रहती है कि देखो इस बंदे का डेडिकेशन क्या है, वो जिस चीज़ में घुसता है, उनका जो दीवानापन होता है, उनका जो पैशन होता है अपने काम के लिए कितना होता है, अगर वो मुझ पे भी ध्यान देगा तो उतनी अच्छी तरह से देगा। आपकी मेहनत यहाँ पे दिखती है कि आप कितने मेहनती व्यक्ति हो,
आप कितनी अच्छी तरह से काम करते हो, आप अपने आप को कितना परफेक्ट बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ में किसी अपने करियर में या किसी भी चीज़ में आपका ऐसा पैशन होता है ना, आपके पार्टनर को दर्शाता है कि आप कितने शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हो, आप किस तरह से किसी चीज़ों में डूबे हुए हो। अगर सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर में डूबे हुए हो ना, तो वो आपको वैल्यू नहीं देगा, वो आपको छोड़ देगा। चौथी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि आपको हमेशा अपनी तरफ से एक हैप्पी लाइफ को प्रेजेंट करना है। आप कैसी लाइफ जी रहे हो, ओवरऑल आप कैसी लाइफ जी रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा दुखी होते हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ सही होता है, उसका पार्टनर प्यार भी करता है, लेकिन फरियाद होती है, दुखी होते हैं, हमेशा सैड होते हैं। आप किस तरह के इंसान हैं, आपको हमेशा प्रेजेंट करना है कि आप खुश रहने वाले इंसान, हमेशा लाइफ के हर पल को इंजॉय करने वाले इंसान, चाहे पार्टनर सही हो, चाहे वो आपको हर्ट करता हो, थोड़ी मोटी लड़ाई हो, फिर भी इन चीज़ों से आप डगमगा नहीं जाते, आप फरियाद करने नहीं लगते, आप रोने नहीं लगते, आप मुस्कुराते हो, आप लाइफ को इंजॉय करते हो। देखो, जब आप ऐसे इंसान हो ना जो हमेशा खुश रहना चाहते, तो आपका पार्टनर आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो सब लोग, दुनिया के सारे लोग अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। उनको पता है कि आप ये जानते हो कि लाइफ में कैसे खुश रहते, कैसे इंजॉय करते, वो आपसे सीखना चाहते। भले वो आपको बताते नहीं, लेकिन वो जानते कि आप एक खुश रहने वाले इंसान हो, वो सब आपके जैसे बनना चाहते। तो अपनी तरफ से हमेशा अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को प्रेजेंट करो, ना कि दुख को और फरियाद को। बस अपने आप में चार चीज़ों को ऐड कर लो, उसके बाद जो आपकी ये चार चीज़ें आपके पास है, तो उसके बाद आपका जो पार्टनर है आपके रिलेशन में आपको खोने से डरेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते तो कमेंट करें, और वीडियो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मीकु ये वीडियो नच्चिनट्लयिते लाइक चेयंडि, शेयर चेयंडि, सब्सक्राइब चेयंडि, रेगुलर नोटिफिकेशन्स कोसम बेल बटन ने प्रेस चेयंडि।